Alright friends, good morning. So you all welcome to today's SaleskiPathshala. And today the topic is most common objections of customers. So when you interact with customers, do they object? Do they raise questions? Yes. Do they ask you questions? They ask you questions, right? So is it good? बहुत बार as salesman मैं सोचता हूँ यार इतने सवाल क्यों पूछते हैं लोग या बहुत बार दिमाग में ऐसी बात आती है इतनी सी चीज समझ में नहीं आती इसको I mean, why does he ask me such question? Because a lot of times their question sounds stupid to me. Or their question sounds very unreasonable to me. That why they're asking all these questions? Bata to diya maine, ek baar mein samajhta nahi tha unko. These kind of things keep on coming in our mind. So initially I want to ask you that, is it good that customer asks you questions? Yes. It's good. So what happens if the customer doesn't ask questions? He's not interested. He's not interested, okay. But aapko kya nuksan hoga? ठीक है वो इंटरेस्टेड नहीं है आपको ऑर्डर नहीं मिलेगी बट अगर सवाल पूछे ही ना मान लीजिए कि वो सवाल नहीं पूछता आपको तो नुकसान क्या है एज अ सेल्स पर्सन व्हाट इज द डैमेज दैट विल हैपन इन योर सेल्स कॉल ही मे हैव इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इनको उसकी प्रॉब्लम है मेरा सवाल है आपकी क्या प्रॉब्लम हो गई देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम उसकी है वो सवाल नहीं पूछेगा वो प्रोडक्ट नहीं समझ पाएगा वो सही अनुमान नहीं निकाल पाएगा ही विल नॉट बी एबल टू मेक द राइट चॉइस एंड सो ऑन सो फॉर दैट दोस आर ऑल प्रॉब्लम्स एट हिज एंड बट व्हाट विल बी द प्रॉब्लम एट योर एंड जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेगा तब तक माल नहीं खरीदेगा As long as the customer doesn't ask questions, ऐसा हुआ नहीं है कि ग्राहक एक भी सवाल नहीं पूछा सीधा आके बोले यार पैक कर दो मैं ले लो और अगर ऐसा हुआ भी तो सेल्स की जरूरत नहीं है ऐसा होता है एफ एम सी जी प्रोडक्ट्स में होता है या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत एस्टैब्लिश्ड हैं तो होता है बट वहां पे हमारा रोल एज ए सेल्स क्लर्क है कि चलो भाई आपको ये मान जाए चलो पैक कर दिया पैसे दो बिल बनाओ लेके जाओ Right? But as a professional salesman, the moment I'm into a sales transaction, customers will ask me questions. Correct? And it's good that customer asks me questions because when I started my career, I always used to feel that why the hell customer asks me so many questions? Not funny. I always used to feel that why customer asks me so many questions? Yeah? And then I realized slowly that if the customer doesn't ask me questions, processes are not even started. Right? The process is not even started. So, what happens now? If you ask me a question, I will be happy. Okay, good. It's good that the customer is asking me questions. At least, my car is going to go. Your car is not going to go. I am going to go. I am going to go. What is going on? The customer is not going to interact. So, these questions of asking questions, there are two very interesting things. First, कि ग्राहक के दिमाग में 40 सवाल है आई मीन भगवान ने ग्राहक के सॉफ्टवेयर में ही हैज पुट ओनली 4 क्वेश्चंस इन कस्टमर्स माइंड देयर आर नो 5 क्वेश्चन 5th क्वेश्चन एनी क्वेश्चन दैट यू हैव एनकाउंटर इन द मार्केट इज अ वेरिएशन ऑफ दीस 4 क्वेश्चंस नंबर 1 नंबर 2 दीस 4 क्वेश्चंस कम इन द सेम सीक्वेंस यू विल नॉट फाइंड द 4th क्वेश्चन हैज कम फर्स्ट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हैज कम लास्ट बहुत अच्छी बात है तो सेल्स की मास्टरी करनी है तो करना क्या है ये चारों सवाल को समझना है इसकी श्रृंखला को समझना है और इन सवालों को हैंडल कैसे करना है ये समझना है एंड दैट इज व्हाट वी कॉल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सो फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट आर द ऑब्जेक्शन दैट कस्टमर विल रेज एंड देन वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन हैंडल दोज ऑब्जेक्शन देयर इज अ टेक्निक टू हैंडलिंग दोज ऑब्जेक्शन इट इज नॉट अबाउट योर इंटेलिजेंस इट इज नॉट अबाउट योर चपलता यू नो बहुत बार लोग बोलते हैं कि ये बड़ा डीप टॉकर है बात करता है बड़ा प्यारा चिकनी चुपनी बातें कर लेता है और निकाल लेता है नो आई डोंट बिलीव इन दैट सेल्स इज नॉट अबाउट चिकनी चुपनी बातें करना इट्स अबाउट फॉलोइंग अ टेक्निक सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ टेक्निक एज टू हाउ टू हैंडल दोज ऑब्जेक्शंस बट फर्स्ट बिफोर वी मूव ऑन टू द टेक्निक लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज ऑब्जेक्शंस राइट तो आप लोग भी तो इतने दिन से सेल्स कर रहे हैं सो आई एम श्योर यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग तो जब आप किसी ग्राहक को मिलते हैं और मैं जब ग्राहक की बात कर रहा हूं तो मैं एक प्रॉपर सेल्स प्रोसेस वाली ग्राहक की बात कर रहा हूं तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या आ रहा है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन दैट यू फेस ये जो कॉल की शुरुआत हुई और ये कॉल का फिनिश हुआ
तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन नंबर वन क्या आता है, टू क्या आता है, थ्री क्या आता है, फोर क्या आता है, और मेरे इतिहास के हिसाब से, मेरे सेल्स की पुराण के हिसाब से कस्टमर के दिमाग में 40 सवाल है। तो पहला सवाल क्या है? प्राइस, प्राइस मैंने जब अपने सेल्स, मैं जब किसी सेल्स करता हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट अ कस्टमर रेजेस इज नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप जाइए मार्केट में, किसी भी अनजान आदमी को मिलिए, आप किसी भी नए आगंतुक को मिलिए, नए प्रोस्पेक्ट को मिलिए, अपनी पूरी जोश उमंग से अपने बारे में बताइए, सबसे पहला चीज वो बोलते हैं कि नहीं जी मुझे नहीं चाहिए। अब इसके वेरिएशन जो बोलेगा, नहीं मेरे पास तो है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं मेरे पास ऑलरेडी कोई वेंडर है, नहीं अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं बाद में देखूंगा, कार्ड छोड़ दीजिए, ये सब उसी सवाल के वेरिएशन है कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। अब क्यों वो ऐसा बोलता है, उसको भगवान ने क्या सिखा के भेजा है, व्हाट इज दैट वर्क्स इन हिज माइंड, उसकी चर्चा करेंगे। बट सबसे पहला सवाल ग्राहक जो उठाता है, नो नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप चाहे रानी क्वीन एलिजाबेथ की ताज की मुकुट की कोई ला के दे दीजिए उसको, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है सर, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन प्राइस में है, फिर भी सबसे पहला जवाब ग्राहक का होता है ना मुझे नहीं चाहिए। बहुत बार तो बिना पूरा सुने हुए कि मैं एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा हूं वो पहले बोलता, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नो आई एम नॉट फ्री, नो दिस इज नॉट द राइट टाइम, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डील विद यू, नो आई ऑलरेडी हैव समथिंग लाइक दिस। इसको अगर हम हैंडल करना सीख लेते हैं तो दूसरा सवाल उठता है कि प्राइस क्या है, और जहां मैंने प्राइस बताया तो बोलता ये तो बहुत ज्यादा है, मतलब मैं 100 रुपए की चीज अगर 1 रुपया बना के बेचू तो भी बोलता है बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा कोई प्राइस नहीं है जो आप कस्टमर को ऑफर करेंगे और बोला वाह यार क्या प्राइस दिया तुमने, मजा आ गया, चल आप बैठ ऑर्डर ले, आज तक हुआ नहीं मेरे 38 साल के कैरियर में, नहीं हुआ आपके समय में भी नहीं हुआ होगा। सो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन, द प्राइस इज टू हाई, एंड देन द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ट्रस्ट, हाउ डू आई ट्रस्ट यू, आप जो बोल रही है सारी बातें अच्छी हैं बट मैं कैसे मान लूं कि आप सही बोल रहे हो, हाउ डू आई ट्रस्ट यू राइट, एंड देन द फोर्थ क्वेश्चन दैट कम्स इज रिलेटेड टू डिस्काउंट, द डिस्काउंट इज नॉट गुड इनफ, प्लीज इंक्रीज द डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब डी, whether it is money discount or free क्या दोगे, service दोगे, training दोगे वगैरह वगैरह, okay? तो मूल रूप से ग्राहक के चार objections होते हैं। Objection number one product से related है, जब वो बोलता है कि नहीं मुझे आपका product या service नहीं चाहिए। Objection number two price से related है। Objection number three trust से related है। Trust आपकी हो सकती है, he may not trust you, he may not trust your brand, he may not trust your company. So many, अगर आप एक्सपोर्ट में हैं, you may not trust your country, and so on and so forth. And the fourth question is related to discount, which is geographic to do with the deal making. और ऐसा हम सेल्स में बोलते हैं कि पहला क्वेश्चन जब ग्राहक पूछता है तो ऑर्डर क्लोजिंग के चांसेस 11% हो जाते हैं, okay? अगर दूसरा क्वेश्चन ग्राहक पूछता है तो ऑर्डर क्लोजिंग के 33%, 67%, 99%, यानी जैसे मैं कॉल करना चालू करता हूं और थोड़े देर में द कस्टमर टेल्स मी नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई गेट एक्साइटेड, आई गेट सुपर एक्साइटेड, यू नो व्हाई, बिकॉज माय माइंड इज ट्रेन्ड दैट द कस्टमर इज सेइंग नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दैट मींस 11% ऑफ द ऑर्डर इज ऑलरेडी क्लोज्ड राइट, सो हाउ वेट सर 11% ऑफ द ऑर्डर इज ऑलरेडी क्लोज्ड, तो अच्छी बात है ना। पहले क्या होता था, जब ग्राहक मुझे बोलता था नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं बड़ा दुखी हो जाता था, अरे यार तेरे को भी नहीं चाहिए, सुबह से जितने को मिल रहा हो सब ये बोल रहे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो तुझे भी नहीं चाहिए तो मैं किसको बेचूंगा, मैं कौन से बिजनेस में हूँ, आई मीन व्हाई हैव आई टेकन दिस जॉब व्हिच इज ऑलमोस्ट लाइक अ डॉग, नो वन इज एंटरटेनिंग मी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन व्हेन आई अंडरस्टूड दिस आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर नो, जहां मैं कॉल चालू करता था जल्दी नो बोल रहा है, नो बोल रहा है, क्योंकि दो बोलेगा मतलब 11% ऑर्डर क्लोज हो गए और ये भी कंफर्म हो गया कि मेरी गाड़ी पटरी पे चल पड़ी, क्योंकि अगर नो भी नहीं बोलेगा तो गाड़ी पटरी पे चालू ही नहीं हुई, यानी मेरी कॉल जो है उसकी दिशा करेक्ट नहीं है। आर यू ऑल विद मी? यस, सो इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर, आई स्टार्ट अ कॉल एंड आफ्टर सम टाइम द कस्टमर सेज नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई से बिंगो आई एम ऑन राइट ट्रैक,
this is the direction. I'm very happy. Internally, my heart says, wow, this is it. I have arrived. It's love all play. Like in tennis, when the ball is shot, it says love all play. Badminton, love all play. So this is love all play of sales. You start a call and the customer says, no, I'm not interested. Muskurai apne man mein dheere se khud ko bole, okay, love all play. The game has started. Now let's, right? Ab masla ye hai ki ye charo sawal to aayenge. Ye aayenge. Aur isi shrinkhala mein aayenge, isi sequence mein aayenge. Kabhi bhi aage piche nahi aayenge. So, सवालों का आना अच्छी बात है क्योंकि सवाल जैसे जैसे आते हैं मेरे ऑर्डर क्लोजिंग के परसेंटेज बढ़ते जाते हैं. जब नो आता है तो ऑर्डर क्लोजिंग का 11% हो जाता है और धीरे धीरे 99% हो जाता है. तो मुझे तो इस पूरे गेम को मैथमेटिकली देखना पड़ेगा, राइट? सो विच ऑब्जेक्शन हैज कम एंड व्हाट आर द चांसेस ऑफ क्लोजिंग द ऑर्डर इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप. यस, तो आप लोग जो अपने डेली सेल्स रिपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी कि हर सेल्स कॉल के आगे लिखिए स्टेटस कोड और स्टेटस कोड में 1, 2, 3, 4 लिखिए. जैसे मान लीजिए आज आप 10 लोगों को मिले हो, कल आप 5 लोगों को मिले हो, है ना? तो क्या होता है काम करते करते धीरे धीरे 15 दिन में हमने 60 लोगों से बात कर ली. अब अगर उन 60 कॉलों का विश्लेषण करना है कि यार कितने पानी में तुम्हारे कॉल्स, तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट वार्म कोल्ड. और ये हॉट वार्म कोल्ड बड़ा ही एक जजमेंटल है ना, मुझे लगता है हॉट है और मैं बोल रहा यार क्लोज क्यों नहीं लग रहा, पता नहीं यार मुझे तो लग रहा था हॉट है बट हॉट नहीं हो रहा उधर. सो अ साइंटिफिक मेथड ऑफ डूइंग इट इज दैट अभी आपका कॉल किस ऑब्जेक्शन पे फंसा हुआ है, क्योंकि कोई भी कॉल आप करेंगे तो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन पे ही रहेगा. सो दिस इज नोन एज स्टेशन नंबर 1, स्टेशन नंबर 2, स्टेशन नंबर 3, स्टेशन नंबर 4 और अगर नो भी नहीं बोला है तो स्टेशन नंबर 0. ऐसा बहुत बार आप मिलेंगे किस जैसे डिसीजन मेकर से मुलाकात नहीं होगी या सामने वाला सिर्फ सुनती और छोड़ देगा बाद में आएंगे, राइट? तो स्टेशन नंबर 0. अब इस बैकग्राउंड के साथ अगर हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा रिसर्च किया गया कि ये 10 सवाल हैं जो ग्राहक के बड़े प्रिय सवाल हैं. दिस आर द 10 मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शंस व्हिच अ कस्टमर फील्स लाइक रेजिंग एंड दिस इज नॉट ओनली इन इंडिया, दिस इज अक्रॉस द वर्ल्ड. सो वन ऑफ द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द कस्टमर इज कैन यू प्रोवाइड व्हाट आई वांट. फालतू चीज मत लिखो, मेरे को जो मेरे को चाहिए वो बता. ये जो भाषा है एग्जैक्ट इसी भाषा में ग्राहक सवाल पूछता है. मैंने जो 4 सवाल आपको बताए ये जेनरिक स्टेशंस हैं. अब आप देखेंगे कि ये 10 सवाल कहीं ना कहीं इन्हीं स्टेशंस में समाप्त हैं, राइट? सो देयर इज अ कस्टमर हु सेज कैन यू प्रोवाइड व्हाट आई वांट, देयर इज अ कस्टमर हु सेज व्हाई इज योर प्राइस सो हाई. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आर टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट देन राइट प्राइस. The third question that customer says is why can't you provide more for less? And the daam kam le aur zyada le. Theek hai? What is the final discount? Station number 4. ये जो मैंने स्टेशन बताया और ये जो सवाल पूछ रहे हैं आप मेरे साथ साथ बताते जाइए कि कौन से स्टेशन के सवाल है. पहला सवाल, can you provide what I want? ये कौन से स्टेशन का सवाल है? फर्स्ट का है. Is as good as saying कि तू जो दिखा रहा है मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए. Okay, very good. Why is your price so high? Station number 2. Why can't you provide more for less? It's not only about price. It's about overall deal. So it's station number 4. Okay, station number 4. What is the final discount? 4. Can you give me some time to decide? 3. अभी वो कमिट नहीं करना चाह रहा है. आई लाइक योर प्रोडक्ट बट आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज द बेस्ट. कैन यू प्रोवाइड मी एक्स थिंग्स 3 विद वाई प्रोडक्ट. 4. प्लीज लेट मी अंडरस्टैंड योर प्रपोजल बेटर. क्या इसको हम लोग परमानेंट प्रोस्पेक्ट बोलते हैं. ये ऐसे कुछ प्रोस्पेक्ट होते हैं जो हमको ये नहीं बिलीव करने देते कि नहीं खरीदेंगे और जिंदगी भर हमारे प्रोस्पेक्ट बने रहते हैं, राइट? I do not have a reason, but I will not buy now. Catch me if you can, inko bolte, catch me if you can, customers. I have changed my mind now. I want more discount. मैंने पहले डिस्काउंट मांगा, हमने दे दिया,
अब बोलता है मेरी डिमांड चेंज हो गई, अब मैं और चेंज हो गया. प्लीज कन्विंस माय फ्रेंड एंड आई ऑल्सो बाय योर प्रोडक्ट. मतलब मैं तो कन्विंस हो गया बट मेरे दोस्त को भी कन्विंस कर दे तो मैं खरीद लूंगा. या ऐसे भी कलाकार मिलते हैं मार्केट में. प्लीज गिव मी क्रेडिट पीरियड फॉर मेकिंग पेमेंट. स्टेशन नंबर फोर. ठीक है, इन इन सारे सवालों को एक एक करके हैंडल करना सीखेंगे. पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज द टेक्निक टू हैंडल दिस क्वेश्चन. एक टेक्निक होती है. ठीक है, तो ये सवाल जो है मैं आपके साथ करता हूं और आप कैसे हैंडल करते हैं देखते ही करके. ओके, सो यू आर विद मी. सो कैन यू प्रोवाइड मी व्हाट आई वांट. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट मरीन गियर. ओके, एंड वी आर टॉकिंग. सो व्हाट्स योर नेम? राहुल. So Rahul, can you provide me exactly what I want? Because what you are showing doesn't have the motor capacity that I'm looking at. You have. Let's talk. This is role play. You have range of products actually. Whatever you want exactly, you can customize it. So can you provide me what I want? Sure. So can you show me what I want? Yeah. So I went to your catalog and I don't see exactly what I want. Because आपके प्रोडक्ट बड़े जेनरिक है, मुझे बड़ा कस्टमाइज सॉल्यूशन चाहिए. You do need customized products as well. Okay, so take. So what exactly your requirement is, let me know. I'll speak to design team or I'll speak to manufacturing if you can do your products and if you have any data, just let me know. So I want multiple motor capacity in the same motor. So I want the same motor to behave like 2 kilowatt in the morning and 8 kilowatt in the afternoon. So this is really I would say difficult one, but it's an interesting product. I'll show it, I will make this up and I'll show it to something, maybe in the next couple of days. Okay, but see, I've spoken a stupid statement in a nice English. Yeah. Right? So, why do you have to commit to it? Yeah. What is happening? Is this process of handling correct? Can it become better? Someone else who's from Multiplex, can you handle it? What's your name? Amin. So, can you provide me what I want? Yes. Because your brochure, I have gone through your brochure, it doesn't really have what I actually want. So I want a motor which works for 2 kilowatt in the morning and 8 kilowatt in the afternoon. So can you do that? Yes. You sure you can do that? You can't do it. How can you make a motor which works at variable horsepower at the same time? मोटर इज अ मोटर. लेकिन सेल्समैन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की बेवकूफी किसी की भी बेवकूफी को कैसे भी एडॉप्ट कर लें. am I right? There is a technique to handle this question. How, what could you have done to handle this question? एक तो और एग्जाम्पल ले लेते हैं. कम्प्यूटर टेक्निक. What is your, why is your price so high? लता मैडम, आपने इतना अच्छा प्रोडक्ट के बारे में बताया बट आपकी कीमतें इतनी ज्यादा क्यों है? यू आर नॉट कॉम्पिटेटिव एट ऑल. Sir, we have the features in our product which I can explain you that why our price is so high. I don't think so that it is high, but I can explain you that our price. जो भी features आप बता रहे हैं मैडम, ये आपके कंप्यूटर के पास भी है. But sir, I can explain you more because technically I think you don't have that idea about that product that technically I can explain you. ठीक है, आप जितना भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी समय आप जितना भी एक्सप्लेन करेंगे मैं ठंडे दिमाग से सुनूंगा और लास्ट में बोलूंगा ये तो कंप्यूटर के पास है. तो क्या कर लोगे? व्हाई इज योर प्राइस सो हाई? अरे व्हाई इज योर प्राइस सो हाई? मैं मुझे आपका फर्नीचर बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन इसकी कीमत इतना ज्यादा क्यों है? सो आई थिंक दैट दिस इज द बेस्ट प्राइस यू कैन गेट फॉर द प्रोडक्ट आई एम प्रोवाइडिंग यू. Why is your price so high? Because of its quality. So what quality? You tell me whatever quality, I'll tell you computer. I have been through your website and everything. You are an esteemed organization. You are using a quality product. And I think my product is best suitable for your application. So you think so? That's your problem. But I have met more vendors like you.
and they are offering me much better quality at much better price. देखिए ये मुद्दा जो बड़ा पुराना है, आप मन ही मन गाली दे रहे हो कस्टमर को कि बेवकूफ तुझे समझ नहीं रहा है, तुझे ज्ञान नहीं है, तू तेरे पिताजी ने सिखाया नहीं तुझे ढंग से, बट आज मैं सेल्समैन बन के आया हूं तो तुझे झेल ले रहा हूं, ऐसी भावनाएं दिल में गुजरती है। बट बुझे लो क्या करोगे, कस्टमर तो कस्टमर है, आप सेल्समैन हो तो आप उसको समझाते रहो समझाते रहो समझाते रहो, समझते रहेगा लास्ट में बोलेगा ये तो उसके पास है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको समझाना नहीं आता, प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तरीका नहीं आता, राइट? आप दिन भर समझा लो कस्टमर को, ऐसा नहीं कस्टमर ये रहा है समझ नहीं रहा, समझ रहा सब, लेकिन समझ के भी ना समझ बना हुआ है, बिकॉज ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रामबाण विद हिम, इसे जरिए तो सामने वाले पास है। अब आप कर लो क्या करो, आप बोलो नहीं जी नहीं है, जैसे लता मैम बोल रहे थे कि नहीं है, आपको मालूम नहीं, मैं दिखाती हूँ आपको मेरा लो अलग जगह से पैदा हुआ। कस्टमर यार ऐसा कुछ नहीं है, तू भी जेजीएसडब्ल्यू से ला रहा है, वो भी जेजीएसडब्ल्यू से ला रहा है, ऑलराइट? सो द करेक्ट टेक्निक ऑफ हैंडलिंग कस्टमर ऑब्जेक्शंस इज नॉट बाय ट्राइंग टू बिकम अ लॉयर ऑफ योर प्रोडक्ट। इसी हम एक वकालत करने लगते हैं, कस्टमर ने बोला कि तेरी क्वालिटी अच्छी नहीं, बोला ऐसे अच्छी नहीं, मैं समझाता हूँ देखो मुझे मौका है, मैं समझाता हूँ तुम्हें, कैसे बोला अच्छी नहीं है, मैं बोला हुआ अच्छी है। कस्टमर बोलता तेरी प्राइस अच्छी नहीं है, बोलता कैसे अच्छी नहीं है, तेरे पहले 1000 लोगों ने लिया हमसे, वो क्या बेच दिया, मुझे लगता है अच्छी नहीं, रुक मैं तेरे को समझाता हूँ, एंड यू गेट इन टू अ रॉन्ग डायरेक्शन ऑल टूगेदर, राइट? देखिए जो ऑब्जेक्शन मैंने आपको रेज किए थे वही ऑब्जेक्शन उल्टा करते हैं, मैं सेल्समैन बनता हूँ आप मुझे रेज कीजिए, मैं हैंडल करता हूँ, अब देखिए मेरे हैंडलिंग में और आपके हैंडलिंग में कोई फर्क है क्या? ठीक है चलिए Yeah, so let, if you allow me, since you want a tailor-made product, can I ask you a few questions to understand your product better? Yeah. So you told me that you want a motor which will work at variable horsepower, right? Now whether we do it in the same motor or whether we give you two different motors, we will see. Could you tell me what exactly is the application? Why is it that you need a lower horsepower in the morning and a wider horsepower in the afternoon? What exactly is the reason? Basically, in the morning we don't have that much of crowd or that much of people coming to board. Maybe in the afternoon we have tons of traffic more. So if that is the reason, we can always optimize it. We can give you a multiple gear in the same motor, and that can be optimized, right? But don't you think that multiple gears will exactly increase the cost? So we'll come to that. See, we'll have to do a cost-benefit analysis. We will have to understand what is the best product available at the best price for your requirement. So of course we will do that optimal thing. So I'll ask you more questions connected to your requirement. And as I increase my questions with you and as I understand my your need better, so what do we understand here? That objection handling has got a direct relationship with need analysis. Because it's very good कि जब हम किसी ग्राहक को मिलते तो ग्राहक को बोलते बेटा एक काम कर, तेरे सवाल तेरे दिमाग में 10-12 सवाल है मेरे प्रोडक्ट को लेके, मेरे दिमाग में भी 10-12 सवाल है तुझे लेके, तो बड़ा अच्छा होता हम ग्राहक को बोलते चल एक टेबल पे बैठ जाते, पहले तू अपने सवाल पूछ ले, फिर मैं अपने पूछूंगा, तू मुझे जवाब दे देना, मैं तुझे जवाब दे दूंगा, फिर बैठ के देख ले। अगर ऐसा होता तो बड़ा अच्छा होता, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम जाते हैं ग्राहक के सामने, ग्राहक पड़ 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 अपने सवाल पूछता है, मैं उसको जवाब दे देता हूं, फिर ग्राहक बोलता ओके को मुझे तो मेरे सवाल पूछने का मौका नहीं है, तो देता है क्या? He quickly asks me all his questions, I give his answers, and the moment he feels that I have given his answers, he tells me go. मतलब अच्छा आदमी है तो प्यार से बोलेगा चाय पी के जाइए, और बुरा आदमी है तो बोलेगा गेट लॉस्ट, बट अंजाम वही होगी। तो भैया मैं अपने सवाल कब पूछूंगा? तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यानी कस्टमर ऑब्जेक्शन हैज गॉट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप टू नीड एनालिसिस, क्योंकि ग्राहक अलग से समय नहीं देगा आपको नीड एनालिसिस करने की, कस्टमर को समझने के लिए अलग से समय नहीं देगा,
तो ग्राहक के सवालों में ही मुझे अपने सवाल घुसेड़ने पड़ेंगे ताकि मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग नीड एनालिसिस हो जाए, राइट। और इस टेक्निक को फ्रॉम टू एनालिसिस बोलते हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे यूज होता है। तो जैसे लता आपके साथ जो मैंने क्वेश्चन किया था, अब आप वो क्वेश्चन मुझे कीजिए। व्हाई इज योर प्राइस सो हाई एज द अदर वेंडर्स एंड सेइंग दैट योर प्राइस इज सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम थैंक यू सो मच कि आपने मेरे प्रोडक्ट को कंसिडर किया है। चूंकि आपको मेरी प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा लग रही है तो आई एम श्योर यू आर कंपेयरिंग इट विद समवन। तो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? कंपनी लाइक यू ओनली सर्विसेज एंड सो एनी पर्टिकुलर कंपनी सिमिलर विद जी एनी पर्टिकुलर कंपनी जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं? लाइक किर्बी। ओके, तो किर्बी से आपने कोट लिया है? ओके, सो किर्बी से कोट लेने के बाद भी आप मुझे इनवाइट कर रहे हो तो आई एम श्योर यू आर लुकिंग फॉर समथिंग बेटर देन किर्बी इन माय प्रपोजल। नो, नॉट लाइक दैट एक्चुअली। Seeing the price of that product and seeing the other vendors too, I need to make a comparative chart that where I should. जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो किर्बी में जो आप section use कर रहे हैं उसका dia क्या है, उसका mm क्या है, thickness क्या है? Similar like the whatever requirement I have given to किर्बी, similar I have given to you also. जी जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है मैम। बट क्या है कि दिस इज अ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट एंड द स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चरल डिजाइन। वही 10 टन लोहा यूज होगा, डिजाइन थोड़ी बेहतरीन होगी तो उसी 10 टन लोहे से हम ज्यादा स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं और उसी 10 टन लोहे से हम कम भी निकाल सकते हैं। सो इट्स द प्रोडक्ट दैट यू आर आस्किंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। So we have to look at that combination. Anyway, ये तो discussion चलती रही, but मुद्दा यहाँ पे ये है कि technique क्या है? आपने बोला कि आपकी कीमत बहुत ज्यादा है, तो एक salesman है जो बोलेगा नहीं साहब ज्यादा नहीं है, मैं दलीलें देता हूँ, मैं वकालत करता हूँ अपनी, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मेरी प्राइस ज्यादा नहीं है। ये salesman मेरे लिए बेवकूफ salesman है। एक दूसरा salesman है जो सवाल का जवाब सवाल से करता है, उपयुक्त सवाल से करता है, सामने वाले को और बेहतर समझने की कोशिश करता है और फिर जवाब देता है। ठीक है, तो जब मैं बोलता हूं योर प्राइस इज टू हाई एंड यू ट्राई टू ऑब्जेक्ट, यू ट्राई टू हैंडल द ऑब्जेक्शन, यू आर बिकमिंग अ स्टूपिड सेल्समैन। क्योंकि आपकी जिंदगी बीत जाएगी, आप ग्राहक को समझा नहीं पाओगे, ग्राहक समझता नहीं है। एक्चुअली ग्राहक सवाल इसलिए नहीं पूछता कि उसको समझना है। ये बड़ी विचित्र सी दे समथिंग कॉल्ड एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, द वे द कस्टमर्स माइंड इज प्रोग्राम्ड, द वे अ सेल्समैन माइंड इज प्रोग्राम्ड, एंड इट सजेस्ट दैट व्हेन द कस्टमर सेज द प्राइस इज टू हाई, डोंट ट्राई टू प्रूव व्हाई द प्राइस इज नॉट हाई, बट आस्क हिम क्वेश्चंस व्हिच विल फाइनली मेक हिम प्रूव इन हिज ओन माइंड दैट प्राइस इज नॉट हाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Suppose मैं आपसे पूछता हूं कि why can't you provide me more for less? Can you give me some time to decide? मैडम आपसे पूछता हूं, can you give me some time to decide? आप आई हैं, आपका प्रपोजल आया है मुझे, मैंने सब कुछ टेक्निकली समझ लिया है, but can you give me some time to decide? Sure sir, I understand. But what is the exact timeline we are looking for? Because I believe that you need the product at your side at the earliest. जी जी, मैं आपको बता दूंगा, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बाय दिस प्रोडक्ट दिस ईयर, बट एग्जैक्टली व्हेन वी डोंट नो, एट लीस्ट आई डोंट नो, माय मैनेजमेंट वुड नो, बट माय मैनेजमेंट हैज नॉट इट कम्युनिकेटेड टू मी एग्जैक्टली व्हेन वी शुड बाय। बट आई बिलीव सिंस यू नीड इट बाय दिस ईयर एंड यू मस्ट बी नीडिंग इट अर्लियर एट योर एंड, सो बिफोर दैट यू नीड टू क्लोज द डील। श्योर, मैं आपको बताऊंगा, अभी तो ग्रे है मैडम। हाँ मैडम, आपने सब बता दिया मैडम, आपकी डिजाइन विजाइन सब अच्छी लगी हमें, बट अभी हमारी हुकूमत ने डिसाइड नहीं किया है, जब करेंगे तो हम बता देंगे आपको। कुछ आपकी कोई इशू नहीं है, आपको जो समझाना समझा दिया, मुझे जो समझना समझ लिया, आपके मैडम ने ड्रॉइंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बना दी है, लोग अच्छा है, अंग्रेजी अच्छा बोलते हो आप लोग, सब कुछ अच्छा है, अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए, हमारी तरफ से गड़बड़ है। तो सर कब तक आप क्लोज करेंगे? क्योंकि
अब गिड़गिड़ा रहे हैं, गिड़गिड़ा हो रहे हैं, अब दूसरा तो कोई उपाय नहीं है. या कैन यू कैन टेक दैट कॉल. सो व्हाट इज द बेस्ट सुटेबल टाइम टू एक्सटेंड दैट शूट स्पीड ऑफ दिस. आप आपको नहीं भी बोलूं तो आप तो फोन करते ही रहोगे ना, महीने में एक बार कर लेना. शूट कम बी बाय नेक्स्ट मंथ. आते रहिए, मतलब मैं ना बोलूं तो नहीं आओगे ऐसा तो है नहीं. आते रहिए. सो हाउ डू हैंडल इट लेट्स. सर अगर आपको सब चीजें ठीक लगी है तो किस पॉइंट में आपको डिसीजन लेना है या who else will take the decision for you? भाई हमारे कंपनी के एमडी है, मेरे पास से वही लेते हैं. हमने जितना बोला था हमने कर लिया, अब छोड़ दिया. अब जब वो बोले या बोला तो कुछ करूंगा मैं. अभी तक तो इतना ही है भाई, तो मैं भी ठंड में हूं तो भी ठंड में. This is what happens in corporate sales, right? This is what happens in institutional selling. How do you handle this? उनको बोल सकते हैं अपन कि अगर आप अभी परचेज करते हो तो ठीक है, इस प्राइस में मिलेगा, कम प्राइस मिलेगा. इन फ्यूचर सर्वे में तो ऑब्वियसली रेट थोड़ा सा बढ़ के मिल सकता है आपको. हाँ बिल्कुल भैया, बट ऊपर वाले का सिग्नल आया तब तो, मतलब रेट वेट की बात तो तब बाद में होगी. अभी तो बजट भी एलोकेट नहीं हुआ. सामने वाले ने बोला था पता लगाओ, मैंने पता लगा लिया. अब यहाँ तक छोड़ के रखते हो. आपका इम्प्लीमेंटेशन का भले डिसीजन, बट यू कैन बुक द ऑर्डर नाउ ऑल्सो सम टिकट सम टोकन अमाउंट बिकॉज ऑफ द सर्विसेज व्हिच एवर वी आर ऑफरिंग नाउ, बट इट विल बी नॉट अवेलेबल इन द फ्यूचर. दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग. जी देखिए, इन्हीं इन्हीं सब कारणों से सेल्समैन की छवि में कहीं ना कहीं भिखारी बन दिया जाता है, राइट? और इन्हीं सब कारणों से सेल्समैन की छवि खराब हो जाती है. ओके, मुझे कहीं भी गिड़गिड़ाना नहीं. आई एम ए प्रोफेशनल, आई एम नॉट मैटली समाज का सताया हुआ प्रोफेशनल नहीं हूं कि जिसको मन करेगा आके जब प्रताड़ित कर देगा, जिसको मन करेगा आके जब कुछ बोल देगा. नो, what am I doing? What is my motive? If the customer is saying that he doesn't want to buy right now, then I have to trace back into why. I have to ask some relevant question, and my question should not be about my gridana. कि सर देख लो मैं सर सर अगला कब लोगे सर थोड़े 15% discount बचे मेरे पास वो भी दे देता हूँ पूरा नंगा हो जाता हूँ ले ले भाई पर दे. No, this is all gridana. I have to trace back. ओके, इफ इज नॉट बाइंग, तो जो प्रोडक्ट मैं इसको सप्लाई करने वाला था, ये प्रोडक्ट से नहीं लेने से इसका क्या नुकसान होने वाला है? बिकॉज व्हेन कस्टमर बाइज अ प्रोडक्ट देयर इज अ फाइनेंशियल बेनिफिट टू द कस्टमर, एंड व्हेन द कस्टमर डज नॉट बाय दैट प्रोडक्ट देयर इज अ फाइनेंशियल लॉस टू द कस्टमर, एंड नो कस्टमर इन द वर्ल्ड कैन इनकर अ फाइनेंशियल लॉस. एम आई राइट? द क्वेश्चन इज दैट एज अ सेल्समैन डू यू नो व्हाट इज अ फाइनेंशियल गेन और फाइनेंशियल लॉस. सपोज आप गोडाउन बनाने वाले थे, किसी से बात हो गई गोडाउन बनने की, सब कुछ बात हो गया, फिर वो बोला नहीं अभी मैं नहीं लूंगा. अब उसका फाइनेंशियल लॉस क्या है? हो सकता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से उसको कोई ऑर्डर आने वाली थी जो आई नहीं. अब चूंकि वो आई नहीं है तो जब तक आएगी नहीं तब तक वो बात आगे नहीं बढ़ाएगा. तो आपको पता है क्या ये बात? क्या आपकी नींद आने से तो ये बात निकल के आ गई कि गोडाउन कब लगना था, कहाँ लगना था, किस ऑर्डर की पूर्ति के लिए लगना था? नॉर्मली हम ये सब पूछते नहीं, हम सीधा कोटेशन ड्रॉइंग इसमें पहुंच जाते हैं. बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है. लेकिन जब मैं ये सवाल पूछूं तो आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको उससे रिलेटेड नीड एनालिसिस क्वेश्चन पूछने. मेरा क्वेश्चन सुनना है तो रोड पे क्यों नहीं करते? देखिए ये तो दिस इज सिमुलेशन, जो यहाँ कर रहे हो वही फाइनली वहां कर रहे हो. You ask already all the things we are. Okay, वापिस से रोड लेकर. Please let. I do not have a reason, but I will not buy now. अभी मेरे पास कोई ऐसा ठोस कारण नहीं है मैडम, बट मैं आपको समझ लिया हूँ. अभी नहीं करूँगा, मैं बताता हूँ आपको कब लेना है. ऐसा कुछ नहीं है. देखो मैं सच्चा रहूँ बोलूंगा ऐसा कुछ प्लान नहीं है. मैं झूठा रहूँ बोलूंगा हाँ 3-4 महीने में देखेंगे. तो हैंडल का हुआ, ये तो क्लियरिकल हो गया. पुश करना तो लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि अभी नहीं लूंगा तो टेक्निक क्या बोलता है? टेक्निक बोलता है कि जो फाइनेंशियल लॉस होगा ग्राहक को मेरे प्रोडक्ट को नहीं लेने से, उसको हाईलाइट कीजिए.
तो चूंकि ये सेल्स प्रोसेस के थ्रू गुजर के आ पाई है, तो आपको पता है ना कि मैं ये गोडाउन लगाने वाला हूँ या व्हाटएवर इज एंड एप्लीकेशन, ये पता है। तो ये भी पता होगा कि गोडाउन किसके लिए लगाने वाली हो, लगाने वाला हो और कौन से प्रोडक्ट से डील करने वाला हो, राइट। तो गोडाउन को नहीं लगने से एक महीना गोडाउन अगर डिले होगा तो कस्टमर को नुकसान क्या होगा, ये पता है आपको। मैं आपको एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता हूँ, 20,000 square feet की गोडाउन अगर एक महीना लेट से लगे तो उस एक महीने में ग्राहक का नुकसान कितने लाख का होगा? अंडा रखेगा, अंडा स्टोर करेगा, अंडा स्टोर कर रहा होगा, क्या नुकसान है? तो नुकसान क्या है? सोचते नहीं है हम उस दिशा में, सोचते नहीं, लेकिन बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बट हम उस दिशा में नहीं सोचते, हम हमेशा अपने प्रोडक्ट, मेरा सेल, मेरा चालू रहता है। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द कस्टमर, इट्स अबाउट द कस्टमर। और अगर आपको इस सवाल का जवाब पुख्ता नहीं निकलता है कि उसका नुकसान क्या है, इसका मतलब नीड एनालिसिस ढंग से हुई है, इसका मतलब अंधेरे में तीर मार रहे हैं हम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फ्रॉम टू एनालिसिस को समझना जरूरी है। ग्राहक आपसे पूछेगा इन चारों जेनरिक सवालों को देखते पहले, कस्टमर बोलता है नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, हाउ डू यू हैंडल इट? Saket, let's do it with you. You contact me for the first time and I tell you that, yeah, Mr. Saket, I have gone through your proposal, it seems interesting, but right now I'm not interested in anything like that. I've gone through your website, it could seem that you're already doing the same product line which we are offering. I can see that you're buying it from the US. So it's the same product that we are offering. So you should, and there are tons of other distributors that we have, so it's a well-known brand. I think you should at least try it once before you make a decision. Yeah, but you see, I'm very happy with my current suppliers and I don't want to honestly create a hornet's nest there, because we have a very good relationship with them. And sab kuch acha chal raha hai, everything is hunky-dory, main usko topple karke aapke saath deal nahi karna chahta hun filhal. For the same product, whatever you are buying, as we are aware of the competition and the pricing, I'm sure we can give you the same product. So यहाँ से हम अपनी नग्नता की तरफ उतरना चालू करते हैं। जैसे हम बोलते, ग्राहक बोलते नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो हम बोलते हैं काम करो यार, कुछ कम में ले लो। तो हम खुद से कॉल को प्राइस पे ले जाते हैं, ठीक है? कस्टमर मैं समझदार हूँ तो बोलता ठीक है, उतार जितने उतारने पहले समझ तो लू तो कहां तक उतरेगा। बोलते बताइए आप अपनी प्राइस बताइए, हम अपनी प्राइस बता के एकदम बेस्ट नहा धो के उसको देते ये तुम्हारा बेस्ट प्राइस। तो फिर वो बोलता है नहीं यार मैं तुम्हें ट्रस्ट कैसे करूं। फिर अपन बोलते हैं नहीं ट्रस्ट करना यार, ऐसा क्या है, मैं इतने लोगों को देता हूं। वो बोलेगा ठीक है अपने सारे कस्टमर्स की लिस्ट दे दे, हम उनको सारे कस्टमर्स की लिस्ट दे देते। यू नो व्हाट वी एंड अप डूइंग इज वी कीप ऑन ड्रॉपिंग आवर क्लोज वन एट अ टाइम एंड देन फाइनली वी फाइंड दैट वी हैव नथिंग एल्स टू ड्रॉप एंड देन वी डोंट नो हाउ टू डील विद दैट कस्टमर। The question here is that the customer says no, I will do a from to analysis. What is from to analysis? First, let me find out what is his from position. Yani, जब वो मुझे बोलता है कि मैं तुम्हारा सामान नहीं खरीदना चाहता हूं, एक stupid salesman है जो protect करेगा कि खरीदना भाई खरीदना, बहुत अच्छा product है, ले 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 ले, वो सीधा टू में चला जाता है। मैं बोलता हूं कि पहले उसकी from position को study की। तो उल्टा करते कॉल को, अभी साकेत इज द कस्टमर एंड आई एम द सेल्समैन, लेट्स रिवर्स द कॉल, देन यू विल अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली यू आर मिसिंग इट। या सो यू आर सच एन एक्सपीरियंस परचेजर एंड आई एम नो वन टू टेल यू व्हाई यू शुड बाय माय प्रोडक्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, सिंस यू हैव टोल्ड मी दैट यू ऑलरेडी हैव अ सप्लायर व्हिच इज रेगुलर, सो आई अप्रिशिएट दैट, आई क्वाइट अंडरस्टैंड इट। But how many pieces of this particular product do you normally need in a year? 20,000. So you use around 1,000 pieces, right? And these 1,000 pieces that you make use of, they are all of the same category or they come in multiple horse parts? Yeah, there are a few options, but yeah, mostly they are similar. Okay, alright. This multiple horsepower machine that you use,
I'm sure they come with a warranty term. So, do you also encounter a system of lifetime warranties? To be honest, the product is, I mean, so far now we haven't had any complaint from any of our customers about the product. Whereas the company still is providing us an unconditional warranty for any minimum. Right. So, on the product that we are talking about, sir, because that's exactly where we come on the table with any new client, that we are able to show a bottom line saving of around 28%, not because my prices are better, but because we are able to give you better throughputs and better yields. Would you like to, may not be today, aaj to aapne bata diya, but would you like to have a session where we can discuss this more? And I'm quite alright with the fact that you don't want to buy from me right now, because wo to jab aapko ichha hogi tab lijiyega sir. There's absolutely no problem, right? What have I done with this? ये जो छोटा सा role play हुआ, इससे मैं क्या किया? एक तो मैं भिखारी होने से बच गया, ठीक है? दूसरा मैं अपने पैंट उतारने से बच गया। तीसरा, which is more important is, वो बातें जो मुझे और मेरे product को उत्तम बनाती है, उसको highlight करना जरूरी है, right? अगर मेरी प्रोडक्ट तुम्हारी थ्रूपुट को सुधारेगी, तुम्हारे यील्ड को सुधारेगी, तो मैं प्रोडक्ट की बात नहीं करके मैं उस यील्ड की, मैं उस थ्रूपुट की बात करूंगा। ग्राहक को चार लफ्ज बहुत अच्छे लगते हैं, 4M, ये चार लफ्ज उसको बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप ग्राहक को बोलो कि मैं तुम्हारा पैसा बचाऊंगा, मैं तुम्हारा मेटेरियल बचाऊंगा, मैं तुम्हारा मैन पावर बचाऊंगा और मैं तुम्हारी माइंडसेट बचाऊंगा, ये चार एम है, इट्स अ 4M थ्योरी। फाइनली व्हेन अ सेल्समैन टेल्स द कस्टमर दैट आई एम गोइंग टू सेव 4M फॉर यू, ही लाइक्स इट। व्हेन यू से दैट आई एम गोइंग टू सेव योर प्रोडक्ट, आई एम गोइंग टू सेव योर प्राइस, आई एम गोइंग टू सेव योर जॉब, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दैट, इट्स ऑल ग्री 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 ग्री, कस्टमर को पसंद नहीं है। और खास करके इंस्टीट्यूशनल सेलिंग में उसके बाद तो कुछ लग नहीं रहा है, नो ही इज वर्किंग समवेयर and he is more interested in regularity of business, ki theek thaak chal raha hai yaar, US ka supplier hai, sab barabar chal raha hai, mere set ko pasand hai, sab kuch theek chal raha hai, main kyon, why should I create a new problem for myself ki usko rok ke tere ko chalu karu, khuda na khasta kuch gadbad ho gaya to meri naukri jayegi aur kuch acha ho gaya to set ko milega, mujhe kya milega, right? So normally in institutional selling, the purchase manager doesn't want to crack the apple's cart for no reason. Unless he has a strong reason कि हाँ यार इससे मैं waste management थोड़ा कम कर पाऊंगा और मैं अपने company को बता पाऊंगा कि मैं 20% बचाने वाला हूँ, मेरी भी promotion हो। So what is in it for me? What is in it for the purchaser is very important there. So what is the prompt to analysis technique? That when the customer raises an objection, don't try to answer that objection. Ask questions which clarifies your mind about that objection. So when the customer says, no, I'm not interested in your product, ask him questions as to what is he doing right now? What product is he using? जैसे अगर गोडाउन है तो पहला गोडाउन ले रहा है क्या, इसके पहले भी गोडाउन लिया कि नहीं, वो गोडाउन किससे लिया था, कितने दिन में बना था, क्या पसंद आया उसको उस गोडाउन में, क्या क्या चीजें पसंद नहीं आई, ये मालूम होना चाहिए आपको। तो अगर मैं आपके पास रिव्यू के लिए आऊंगा, आप बोलोगे हाँ सर मैं ये मिस्टर जयपुरिया से मिल रही हूँ, इनको एक कोल्ड स्टोरेज गोडाउन बनाना है, तो मैं आपसे ये सब सवाल पूछूंगा कि ये पहली बार बना रहे हैं क्या, इसके पहले भी बनाया क्या, और कितने गोडाउन है, गोडाउन के बिजनेस में पहला आदमी है क्या, इसके पहले बनाया था किससे बनवाया था, कितना लॉ यूज किया था, क्या प्राइसिंग मिली थी। आप बोलोगे सर ये सब तो मैंने पूछा नहीं, तो मैं बोलूंगा आपने कॉल की शुरुआत ही नहीं की, आप कॉल के सेल्स क्लर्क बन गए, आपको सेल्स प्रोफेशनल बनना है। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली इफ द कस्टमर आस्क यू व्हाट इज द वाई, व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द प्राइस एंड व्हाट एवर प्राइस यू गिव, द कस्टमर सेज इज टू हाई, देन राइट। तो राहुल तुम्हारे साथ करता हूं कि भाई आपकी कीमत इतनी ज्यादा है, आपने जो कीमत दिया मुझे 100 रुपया, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज, इज टू हाई, हैंडल हैंडल ऑब्जेक्शन। अभी आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो क्या प्राइसिंग में ले रहे हो, मैं क्यों बताऊं? मतलब टिपिकली अच्छा ठीक है, टिपिकली इन इंस्टीट्यूशन से ही नो वन विल टेल यू,
राइट। चल मैं अच्छा आदमी, मैं अभी ले रहा हूं 5 रुपए, मेरी प्रोडक्ट की कीमत है 100 रुपए, तुमने पूछा अभी आप कितने में ले रहे हो, मैं बोला मैं 5 रुपए में ले रहा हूं, चल हैंडल कर। So as I am aware of the market competition and the rates also, I think 5 rupees mein le rahe hain to inferior quality hongi, hongi. I am not sure, but what I am giving you in 100 rupees, I can justify that. And along with that, I can give you the service also. देखिए ये एक बहुत बड़ा learning है, ये आप सीख के जाइए कि in a sales call it is not about I, it's about you, it's about them. So when you say ki I will justify my product, you are not doing sales. You will always have to, you have to empathize, you have to move into the shoes of the customer and you have to talk the way a customer will do it. Right? So don't say I will justify my product. Why can you say that, sir? Aur achhi baat hai sir, agar 5 rupaye mein aapko ye product mil raha hai. So if you permit, can I know something about this product? Because this is very exciting. अभी sale well की बात तो छोड़ दो sir, मैं आपको बेच नहीं पाऊंगा, लेकिन जो आप ले रहे हैं उसकी कुछ technicalities पूछना चाह रहे हो, कितने और कॉल किया सर, उसका लोगो क्या है सर, मतलब मैं तो अब बोलूंगा कि भाई तू मेरी फोटो उड़ा रहा ना, मैं तो छोड़ूंगा नहीं तेरे को, मैं तेरे को उस कटघरे पे लाऊंगा फ्रॉम टू एनालिसिस करके, बड़े मासूमियत से मैं अपने सवाल पूछूंगा और उसके मुंह से निकलवाऊंगा कि वो क्या यूज कर रहा है, या तो वो झूठ बोल रहे हैं कि 5 रुपए यूज कर रहा है, या वो बड़ा इंफीरियर प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो मेरा ये बोलना कि आपकी प्रोडक्ट बहुत इंफीरियर है गलत हो जाएगा, बट मेरा ये क्वेश्चनिंग के थ्रू समझना और फिर उसको बताना कि देखिए सर ये आप कर रहे हो और ये हम आपको दे पाएंगे और ये जो हम दे पाएंगे इससे फाइनेंशियल बेनिफिट आपका क्या होगा, देन यू आर इन सिंक विद द कस्टमर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या so it's all about doing a from to analysis. Someone let me do a call with you. You are from which company? Reena Singh. So हम एक steel shed की बात कर रहे हैं, एक industrial factory लगने वाली है, steel plant, और उसका कुछ 1,00,000 square feet की shed लगने वाली है, ठीक है? तो मैं आपको बोलता हूँ यार, how do I trust you? बीएनआरसी का नाम मैंने सुना नहीं पहले भैया, आप जो भी बातें बोल रहे हो आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आप नहा दो क्या है, वेरी गुड, बट मैंने बीएनआरसी का नाम कभी सुना नहीं है, हमारे जितने दोस्त लोग हैं जिन्होंने भी बनाया है तो वो किसी और से बनवाते हैं, मतलब बीएनआरसी के बारे में हमने कभी नहीं सुना है, तो आई डोंट थिंक आई कैन ट्रस्ट यू। आप होंगे अच्छे, सॉरी दिस डोंट माइंड, बट आई एम नॉट हर्ड अबाउट यू। सो हमने देखिए इट्स ऑल आई, आप समझ रहे हैं, जब दूसरे को सुनते तो समझ में आता है आपको कि क्या चल रहा है, हमने इसके पहले 3 बनाए, हमने इसके पहले ताजमहल बनाया है, हमने ये हासिल किया, हमने वो हासिल किया, अबे तूने क्या किया तो मेरे को क्या मतलब, ग्राहक ही बोलता है कि इट्स नॉट अबाउट यू। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज यू कैन से दैट आई हैव मेड ताजमहल बिफोर दिस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज माई स्लेव, स्टिल आई विल से आई डोंट ट्रस्ट यू, राइट? So you have to ask me questions which is not about you, it's about me. बजाय इसकी कि तुमने पहले 3 शेड बनाए बोलने के लिए, तुम पूछो मुझसे कि सर ये पहला शेड है जो आप बनवा रहे हैं, और मैं अगर बोलूं कि हाँ मैंने 3 और बनवाए, तो सर आपको तो सब पता ही है, तो वो जो 3 है वो किससे बनवाए सर, वो कैसा था सर? Are you getting my point? आज की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की क्लास में अगर एक चीज आपके दिमाग में तय हो जाए कि ऑब्जेक्शन हैंडल करते समय मुझे खुद को डिफेंड नहीं करना है, ऑब्जेक्शन हैंडल करते समय मुझे खुद की वकालत नहीं करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते समय मुझे नीड एनालिसिस करना है, क्योंकि नीड एनालिसिस का अलग से समय नहीं मिलेगा, तो कस्टमर के ऑब्जेक्शन के बीच में ही मैं अपने सवाल पूछूंगा जिससे कि मैं ग्राहक को समझ पाऊं और नीड एनालिसिस बेटर हो पाए। Establish the concept and show the solution. ये बड़ा important है, क्योंकि when does customer object? Normally आप देखिए जब तक प्यार मोहब्बत की बातें चल रही है customer object नहीं करता, जैसे आप थोड़ा serious होते हो customer अपनी objection की श्रृंखला बनाना चालू होता है, तो यहाँ पे बहुत जरूरी है, you should establish the concept behind your product. Don't try to establish your product even before you have established the concept.
So do you understand the meaning of concept behind your product and your product? What is the concept behind your product and your product? Like, godown is a product, but safe godown with economy of cost is a concept. हम लोग normally क्या लेते हैं? लोग godown बेचने की कोशिश करते हैं. हम लोग कभी safety और godown नहीं बेचने की कोशिश करते हैं. तो क्या हम अगर मैं किसी को बेचने के पहले कि मैं इतना लोहा लगाऊंगा इतनी कॉस्ट लगाऊंगा ये करूंगा वो करूंगा इसके पहले अगर ये कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश हो जाए कि वी आर पीपल हु अंडरस्टैंड व्हाट इज सेफ्टी व्हाट इज स्ट्रक्चर व्हाट इज स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज इकोनॉमी ऑफ मटेरियल अगर ये बातें पहले एस्टैब्लिश हो जाए पुख्ता उसकी स्क्रिप्ट क्या होगी उसके दस्तावेज क्या होंगे ये डिस्कशन का मुद्दा है बट पहले ये एस्टैब्लिश हो जाए ग्राहक बोलता रहेगा आपकी कीमत बताइए आपकी प्राइस बताइए मैं बोलता रहूंगा कि सर पहले ये समझ लें कि आर वी द बेस्ट पीपल टू डू योर जॉब क्योंकि जब बेस्ट जॉब जब तक डिफाइन नहीं होगा तब तक बेस्ट प्राइस कैसे डिफाइन होगा किसकी कीमत किसकी कीमत लोहे की कीमत तो हम तो लोहा नहीं बेचते लोहे के लिए आप डीलर के पास जाएंगे स्ट्रक्चर की कीमत हम तो स्ट्रक्चर भी नहीं बेचते हम तो सेम स्ट्रक्चर बेचते देयर इज अ डिफरेंस आर वी कनेक्टिंग ऑल ऑफ यू आर वी कनेक्टिंग या So we have to always establish the concept, and it's very important that we know how to establish the concept. जैसे आप Marine Flex पे हो, right? So how do you establish the concept? एक product लीजिए आपको, कोई भी एक product बताइए, कोई भी एक product. See, cable cables, used for insulation and mechanical cables. Okay? तो mechanical cables product हो गए. इस mechanical cables के पीछे का concept क्या है? Concept is आपकी मैकेनिकल केबल में क्या कॉन्सेप्ट क्या है डिजाइन क्या उस डिजाइन में क्या है द फर्स्ट थिंग इज द डिजाइन सो इनोवेटिव दैट इट एक्चुअली गिव्स इट एनहांसेस द मोशन If this is the load और इसको खींचने के लिए केबल आप यूज कर रहे हैं तो केबल में क्या खास बात है अगर लोड 10 टन की है तो 10 टन को खींचने के लिए जो केबल लगेगा वो लगेगा exactly. तो what is the concept behind that cable? So, जो लोड लगेगा केबल में एक्चुअली मूवमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट होने के लिए वहां पे फ्रिक्शन होगा बट हमारा तो केबल इट्स लो फ्रिक्शन तो आप भले ही 10 टन का उठाओगे पर आपको लग जाएगा कि आप 10 टन उठा रहे हैं केबल में क्या फ्रिक्शन होते भाई इट्स यू इट्स इट्स मूवमेंट यू फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इधर ना उधर इधर ना उधर तो उसमें फ्रिक्शन होता है सो ऑब्वियसली जब आप लोड उठाओगे 10 टन का तो इस फ्रिक्शन में ऐड जाएगा उसमें सो लेट अस से अराउंड हो जाएगा बट जब यू होगा जब तो आपको 10 टन में ले जाए इट विल नॉट साउंड लाइक 11 टन सो दैट्स व्हाई यू सेव द एफर्ट्स सो There is this concept of a cable. Actually, this a cable is mixed of, is made of so many parts. ठीक है? तो जो कमजोर केबल होती है, उसमें सारे parts as one नहीं deal करते, right? आप खड़े होइए. जैसे हम दोनों मिला के केबल हैं. अगर मैं आपको ज़्यादा जोर से घुमा रहा हूँ और आप कम जोर से घूम रहे हैं, तो हमारी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी. अगर हम यूनिशन में काम करेंगे, जैसे केरला में वो बोट रेस होती है जहां इंग्लिशन में काम करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होती है दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ योर केबल इज लाइक वन केबल इज नॉट लाइक मल्टीपल केबल एंड दैट्स व्हाट द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल केबल द डिफरेंस बिटवीन अ गुड केबल एंड अ बैड केबल इज दैट नाउ यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दिस कॉन्सेप्ट सो डोंट ट्राई टू टेल टू द कस्टमर दैट योर केबल इज गुड एंड यू टू डू दिस टू दैट यू से दैट दिस इज अ केबल व्हिच वर्क लाइक वन केबल And there are cables which work like 100 cables. So, ये जो concept है, ये concept हम establish हो गया. And I am not the best person. I am just giving you a rudimentary example. You can go and discuss it internally.
जब ग्राहक इस बात को समझने लगा कि हाँ इस केबल में कम है, फिर आगे की जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है बहुत सिंपल हो जाएगी. Because if the concept is established, then the concept makes you unique. And once you become unique, yeah, go ahead. Sorry. आप जो concept बोल रहे हैं, does it stand for the basics of the product or it stands for the features of the product? It stands for the benefits that come out of the features of the product. There's something called FAB, feature advantage benefit. Yes. So features advantage में translate होती है, advantage एक benefit में translate होता है, which is a numerical value which the customer gets. Okay. So the concept is always based on the benefits of the customer and not on the features, right? And that's where the mistake happens, because as salespeople typically we are busy in rolling out the features. हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा वो है, और customer बोलता होगा, मेरा क्या? So, मुझे क्या मिलेगा, right? So talk about the benefit. So do you need analysis when customer raises objection? ये हमने बात किया शुरू में. Sir, वो जो concept है, वो competitor भी दे रहा है, तो same question आना ही होगा customer की तरफ से. The same concept is getting from the competitor also. देखिए आप ही salesman हो, और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, इस पृथ्वी पे, सिर्फ भारत में नहीं, इस पृथ्वी पे सिर्फ 5% सेल्समैन है जो कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश करने के बाद प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं. 95% टेप रिकॉर्डेड ऐसे बोलते हैं, 95% फीचर्स की ही बात करते हैं. तो आपका जो सवाल है राहुल, कि जो मेरे प्रोडक्ट में खासियत है वो किसी और के प्रोडक्ट में भी होगी, होगी, लेकिन ऐसा सिर्फ 5% चांस है कि वो भी ये टेक्निक से बात कर रहा हो. एंड दिस आई एम टेलिंग प्योरली एक्सपीरियंस. तो ऐसा नहीं कि उसके पास नहीं है, लेकिन वो फीचर्स की माला पहनाते रहते कस्टमर, जैसा आप भी पहना रहे हो, अभी वो भी पहनाते हो. द मोमेंट यू गेट इनटू कॉन्सेप्ट सेलिंग, यू बिकम अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्समैन, एंड दैट इज गाय हु इज नोन एज कंसल्टेटिव सेल्स पर्सन. इज नोन एज अ सेल्स कंसल्टेंट, इज नो लॉन्गर नोन एज अ सेल्स भिखारी. आई एम गेटिंग माय पॉइंट. थोड़ा फर्क पड़ेगा. आप देखो, आप खुद ही सेल्समैन हो, इतने दिन से काम करो, कितने लोग आपको मिले मार्केट में अभी तक जो इस तरीके से सेल करते हैं? नहीं मिले होंगे, क्योंकि ये प्रथा है ही ना हमारे देश में, तो सेल सिखाई नहीं जाती है, तो धकेल पिट्टी करके ही सीखते सब लोग, तो वो एक नॉर्मल स्टाइल में चलते हैं, राइट? ओके, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि व्हाट क्वेश्चंस डू यू आस्क. आज के प्रोग्राम के बाद में आप घर जाके, ऑफिस में जाके इन चारों सवालों को लिखिए, अथवा ये जो 10 टॉप सवाल थे इसको लिखिए, और इन 10 टॉप सवाल के जवाब में वो कौन से सवाल आप पूछे इसको बताइए. सो प्रिपेयर योर नीड एनालिसिस क्वेश्चंस, विच शुड बी बेस्ड ऑन द फ्रॉम टू अप्रोच. फ्रॉम टू अप्रोच आपको बताया है, तो फ्रॉम टू अप्रोच पे आधारित अगर मैं अपने सवालों की सूची बनाऊंगा, और फिर उन सवालों की सूची को लेके आपस में रोल प्ले करके समझूंगा कि जब ग्राहक मुझसे ये सवाल पूछेगा तो मैं उससे कैसे जवाब दूंगा, ठीक है? So what we have broadly learned today, objection handling is not only about giving the right answer, but objection handling is first finding the right problem and then arriving at the right answer and then giving the right answer. So main ye nahi bata raha hu ki aap jawab mat dijiye, sirf sawal poochte rahiye, but kuch relevant sawal poochenge, from to analysis karenge, to aapko samajh mein aayega ki sahi jawab kya hoga. कोई भी सेल्समैन ऐसा एज्यूम करता है कि मैं इतना सीनियर हूं, मैं इतना एक्सपीरियंस हूं कि मुझे कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सामने वाले की हरकतों को लेकर समझ जाता हूं और मैं सही जवाब दे देता हूं. आई कॉल हिम अ स्टूपिड सेल्सपर्सन, बिकॉज इफ देयर वाज एनी फॉर्मूला थ्रू विच यू कुड नो एग्जैक्टली व्हाट द कस्टमर वॉन्ट्स, देन दिस प्रोसेस ऑफ सेल्स वॉज नॉट रिक्वायर्ड, राइट? तो मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, तो वो कौन से सवाल पूछने हैं? जब कस्टमर बोलेगा कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, तो मैं कौन से सवाल पूछूंगा? जब कस्टमर बोलेगा आपकी प्राइस बहुत हाई है, मैं कौन से सवाल पूछूंगा? हाउ डू आई ट्रस्ट यू, व्हाट इज द गुड डिस्काउंट, तो मैं कौन से सवाल पूछूंगा? ऐसी सवालों की सूची अगर आप बना लेते हैं और यू प्रैक्टिस रोल प्लेज ऑन दैट लिस्ट अमंग्स योर सेल्फ, व्हाट क्वेश्चन डू यू आस्क, डू यू हैव योर नीड एनालिसिस क्वेश्चन सेट रेडी, सो ये पूछिए. और ये एक श्रृंखला है, कस्टमर रेज इज ऑब्जेक्शन, ये प्रोसेस है. स्टेप नंबर 1, कस्टमर ऑब्जेक्शन उठाएगा. स्टेप नंबर 2,
salesman relevant सवाल पूछेगा with the from to approach. Step number 3, customer जवाब देगा. Step number 4, customer समझेगा, salesman समझेगा. Listen actively to the customer. Answer, because it is this answer which will give you the customer objection properly. And then salesman gives reply to the question and then customer is happy. ये एक ऐसा 6-step process है. अगर आप लोग देखें तो हमारी गलती कहाँ होती है? Customer objection उठाता है और हम उसको right reply देने की कोशिश करते हैं. Step number 2, 3, 4 गायब कर देते हैं. ठीक है, तो आज के प्रोग्राम के बाद अगर आप स्टेप नंबर 2, 3, 4 को लाइए अपने प्रोसेस में, तो देखिए आप ज्यादा बेहतरीन कस्टमर ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाएंगे. राइट, सो आई ट्रस्ट दैट इट हैज सॉल्व सम ऑफ योर प्रॉब्लम्स इन कस्टमर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. सिंस इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, सिंस इट्स अ टॉपिक व्हिच रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो आई विल कीप द नेक्स्ट. हमारा समय हो गया, बट 3 मिनट हम थोड़ा आपके सवालों का जवाब लेते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाया हूं, ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ अधूरे प्रश्न है, तो प्लीज आस्क. तो डिपेंड करेगी केस टू केस भी, जैसा जो केस नॉट एवरी सेल्स पर्सन कस्टमर इज सिमिलर, द रिक्वायरमेंट इज सिमिलर, इट्स ऑलवेज वैरी फ्रॉम केस टू केस. मतलब जो भी है सर, एक बार केस टू केस पहले ही करेगा, आप इक्विप नहीं है या आप नॉलेज आप है, बट मैं बोलता हूँ कि वही मेरा पीएचडी का टॉपिक है. अगर मैं सेल्स प्रोफेशनल हूँ तो मेरे पीएचडी थीसिस का टॉपिक यही है कि क्या मैं अपने प्रोडक्ट से फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ द कस्टमर निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि जब वो निकाल पाऊंगा तो मैं ग्राहक को उसका कॉलर पकड़ के बोल सकता हूँ, बेटा तू मेरा प्रोडक्ट नहीं लेगा तो तेरे कितने पैसे का नुकसान हो रहा है. और जब आप किसी बिजनेसमैन को सिद्ध कर देंगे कि आपका इतने लाख का नुकसान हर रोज हो रहा है, फिर धंधा होगा यार, वो थोड़ी पतला है, क्यों नहीं धंधा करेगा. पर हम लोग क्या है, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स में ही बंधे रहते, उसी में हम खुश रहते. हमारा डाया इतना है, हमारा आउटर इतना, हमारा इनर इतना, हमारा फ्रिक्शन इतना, मैलेबिलिटी इतना, डक्टिलिटी इतना, आम का इतना, डम का इतना. अरे फीचर्स आर मेड टू बी ट्रांसलेटेड टू बेनिफिट्स, एंड बेनिफिट्स आर सपोज्ड टू गिव फाइनेंशियल एडवांटेज टू द कस्टमर. हम उधर जाते हैं, हम फीचर्स में फंसे रहते हैं, है ना. तो फीचर्स में फंसे रहना वो दादीमा की तरह जो दिन भर माला करते रहते हैं, राम 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 राम, बाकी के सारे कुकर्म कर रहे हैं लेकिन राम 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 कर रहे, तो धंधा नहीं हो. राइट, तो माला करने में नुकसान नहीं है, फीचर्स समझने में नुकसान नहीं है, लेकिन फीचर्स को बेनिफिट में ट्रांसलेट नहीं करना और बेनिफिट कस्टमर को नहीं बता पाना, इससे कि उसका फाइनेंशियल एडवांटेज हो रहा है, इसमें दुख है. सर, फाइनेंशियल बेनिफिट जो है लॉन्ग टर्म का वो ओनर कंसीडर करेगा, बट इफ आई एम टॉकिंग विद द परचेस मैनेजर, तो करंट जो उसका जो सेकंड अपना जो सिनेरियो प्राइस का, वो एट अ सर्टेन पॉइंट सिर्फ वही कंसीडर करेगा. सर, वॉट लेस प्राइसिंग यू आर गिविंग मी मी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग. आई एग्री कि कभी कभी सेट को पैसे की ज्यादा पड़ी रहती, परचेज मैनेजर को उतनी नहीं पड़ी रहती. आई फुली एग्री. तो आपको मैं गोल्डन रूल दे रहा हूँ 4M का. एज अ सेल्समैन आप अपने मुट्ठी में 4M लेके रखिए, और जब भी डिस्कशन आता है तो इस 4M में क्या देना है आप डिसाइड. ठीक है, तो बहुत बार मनी सेट को अट्रैक्ट करता है, मटेरियल, मैन पावर, माइंडसेट. माइंडसेट मींस ईज ऑफ डूइंग समथिंग. ये परचेज मैनेजर को अट्रैक्ट कर सकता है. देखिए, परचेज मैनेजर को फाइनेंशियल सेविंग में इंटरेस्ट तो रहती है, बट उसको अपनी प्रोमोशन में ज्यादा इंटरेस्ट रहती है. तो ऐसा क्या करेगा कि वो मैनेजमेंट के नजरों में उज्ज्वल आएगा, उसमें इंटरेस्ट रहती है उसको. तो देयर इज अ गोल्डन रूल इन की अकाउंट मैनेजमेंट व्हिच सेज दैट हेल्प द कस्टमर डू हिज क्लास वर्क. सो द क्लास वर्क ऑफ द परचेज मैनेजर इज योर होमवर्क. हम निकम्मे लोग हैं, ये अपना काम तक नहीं करते, तो इनका काम मुझे अपना काम समझ के करना पड़ेगा. मैं परचेज मैनेजर बन गया, अगर मुझे अपनी तरक्की चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, इसकी पूरी दस्तावेज, पूरी प्लानिंग ये मुझे करनी पड़ेगी, तब जाके मैं परचेज मैनेजर का दोस्त बन पाऊंगा. किसी और दिन की एक और मैनेजमेंट की क्लास होगी तो उस पर और अधिक चर्चा करेंगे. राइट, गुड. एनी अदर क्वेश्चंस मैडम? एनी क्वेश्चंस? आप लोग थोड़ा रेगुलर आ रहे हैं अभी, तो बहुत अच्छी बात है कि प्रोग्राम में आने के पहले थोड़ा सा उस प्रोग्राम के बारे में सोचिए, टॉपिक के बारे में सोचिए, क्वेश्चन लिख के लाइए. क्वेश्चन नहीं होंगे ऐसा तो होगा नहीं, बट एकदम से मौके पे सवाल आते नहीं है,
लिख के लाइए क्योंकि ये एक मौका है, एक फ्लो है, अभी अभी टॉपिक डिस्कस हुआ तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी के अभी हो जाए, इट्स अ गुड आइडिया. ओके गुड, तो इसी के साथ लेट अस ब्रिंग एन एंड टू टुडे सेल्स की पाठशाला. आई जस्ट आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव लाइक दिस वीडियो. इफ यू हैव एंड इफ यू फील दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इन डूइंग योर बिजनेस बेटर, देन प्लीज गो डाउन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. And give your honest comments, because you are a salesperson, I'm a sales coach. If I get your honest comments, I'll be able to do better. And don't forget to share this video with all your fellow salesmen in this world, so that together we make this world a much better place.